नेप्रा में पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की मंजूरी के हवाले से अहम समात नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बहरिया टाउन से मुतालिक अहम फैसला कर लिया। नेप्रा ने बहरिया टाउन को पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की मंजूरी देने का इंदिया दे दिया। समात के दौरान आइसको की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने दलाल देते हुए कहा कि चूंकि ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है, इसलिए वो एक लफ्ज भी नहीं कह सकते। मेंबर लीगल के बार बार इसरार पे सीईओ आइसको ने कहा कि रेगुलेटर के फैसले से उनकी कंपनी को माली नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। सार्फिन के नुमाइंदे ने बहरिया टाउन के निजाम तकसीम के हवाले से बीटीपीएल और आइसको के दरमियान तनाजात की तारीख बताई। उन्होंने दलील दी कि बीटीपीएल ने जायद चार्ज शुदा रकम की वापसी के हवाले से हाईकोर्ट के अहकामात पे अमल नहीं किया, जो कि अब 10 अरब रुपए को छू चुकी है। उन्होंने मजीद 460 अरब रुपए का हवाला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहरिया टाउन को अदा करना है। सार्फिन के दीगर नुमाइंदों ने बीटीपीएल की जानिब से ओवरचार्जिंग, बिलों की अदायगी में ताखीर और बिजली की बहाली की लागत पर ताजीरी कार्रवाइयों पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया। सार्फिन के नुमाइंदों ने कहा कि बहरिया इंतजामिया बिजली के बिलों की अदायगी में ताखीर की सूरत में हमारे घरों के सामने गड़े खोदती है।